सामने रामलीला जैसा पंडाल सजा, लोग नीचे दरी पर बैठे हैं, लड़के आसपास मिट्टी उड़ा रहे हैं और बहुत सी आवाजों के एक बंधे हुए शोर में हारमोनियम और ढोलक की आवाज भी गूंज रही है। मंच पर पर्दे हिल रहे हैं, तभी लोगों का शोर धीमा होता गया। अब हारमोनियम और ढोलक के साथ बांसुरी की आवाज भी सुनाई देने लगी कि ढोलक की थाप पर जैसे बहुत से घुंघरू कूद पड़े हैं मंच पर। सभी लोग बहुत गौर से मंच की ओर देखने लगे। हरी चमकदार मोटे कपड़े की पैजामी और वैसे ही पूरी आस्तीन का फ्रॉक जैसा कुर्ता, सुंदर आकार वाले कंधे, छाती, कमर, पुष्ट और पैरों पर पिने हैं। वाह वाह, क्या घुमाव है, क्या आंखें हैं। और तभी उसने पीठ के पीछे छुपे हुए मोर के पंखों को उंगलियों के झटके से फैलाया और अपने घुटनों के बल बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमने लगा, मानो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी आंखों पर एक दूसरे की ओर देख मंच की ओर हाथ उठा रहे थे। सभी लोग इस आकर्षक दृश्य को अनायास ही भावुक होकर देख रहे थे। मैं भी उस दृश्य में गुम ही था कि हाथ खींच, अब अंधेरा बहुत हो गया है, घर चलो। भैया का हाथ पकड़े घर की ओर चलने लगा। रास्ते में कुछ लोग जो आ जा रहे थे तो वही पंडाल में ब्रज से आई रास मंडली की ही बातों में लगे हुए थे। मुझे नहीं याद कि कब मैं घर आया और कब सोया, लेकिन मेरे कानों में वो तेज आवाजें अभी भी बज रही थी और मेरी कल्पनाएं मुझे रात भर उस मंच पर नचाती रही। वो क्या बोल रहा था मुझे याद नहीं रह गया, लेकिन कैसे बोल रहा था वो सारी जगह मुझे याद है। कैसे उसकी आंख उठती, कैसे ढोलक की थाप के साथ उसके शरीर के अंदाज बदलते, ये सारा कुछ अब मैं शीशे के सामने दोहराता रहा। और छत पर घुटनों के बल नाचता। मैं सच में दो तीन दिनों में बेहतर करने लगा और साथ साथ मेरी छत से चिपकी छत पर एक लड़की भी संग संग नाचने लगी। उसी ने मुझे बताया इसे मोर डांस कहते हैं, लेकिन ये सब करते हुए मैं जल्दी ही पकड़ा गया और मम्मी, दीदी, पापा और पड़ोसी आंटी की डांट फटकार शुरू हो गई। उनकी नज़र मेरे छिले हुए घुटनों पर पड़ी तो उस डांट फटकार में और भी उग्रता आ गई और शायद मेरी पिटाई भी हो गई। मैं भी मंच पर ये सब करना चाहता हूँ, लोग देखने के लिए उत्सुक हों, मेरे नाम होने पर भी मेरे बारे में बातें हों, लोग जानते हों, मेरे बारे में पूछते हों और मैं किसी को पहचानता ना। और ना जाने क्या क्या मैं दोपहर में उस लड़की से कह गया और शायद फिर मैं पकड़ लिया गया और मैं पिटने लगा। अब पिटना आम हो गया था, अपमान के शब्द भी पड़ोसियों से सुनने अब आम हो गए थे और इन सब ने मुझे अकेला कर दिया था। पर मैं कभी अकेला नहीं पड़ा कि मेरे कानों में आज भी मंच का आकर्षण और वो बोल और कलाकारों की आवाजें साथ थी। लेकिन उस उम्र में ये सब मुझे समझ आ रहा था कि लोगों को सिर्फ महकते फूल पसंद हैं, चटकती कलियां नहीं। इसीलिए शायद तमाम संभावनाएं लिए वो बीज जमीन के नीचे कुंद अंधेरे में ही अंकुरित होता है। जब वो पौधबन तैयार होता है तभी जमाने के सामने आता है। इसी तरह सब चलता रहा, चीजें बनती गईं, टूटती गईं और अब मैं 12 साल से 19 साल का हो गया था। 12वीं के बाद सोचा क्या पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि वैसे भी अब मैं पढ़ता नहीं था। जैसे एक सन्यासी जीने के लिए खाना खाता है वैसे ही मैं पास होने के लिए पढ़ता था और वो एक भी चीज़ नहीं छूटती जिसमें ग्रेस और सप्लीमेंट्री की सुविधाओं का उपयोग ना होता हो। अब घर में भागने की योजनाएं बनने लगी क्योंकि दैनिक जागरण के जोश ने बिगाड़ रखा था। मैंने जो एक्टिंग और मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के पता और फोन नंबर निकाल रखे थे
मैंने पड़ोस में रहने वाली अपनी मौसी की लड़की राधा दीदी से बात की, जिनके साथ मेरे विचारों की शेयरिंग चलती रहती थी। वो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका थी और अगले ही महीने में उनकी शादी थी, पर फिर भी ना जाने क्यों उन्हें मुझ पर कोई संशय नहीं था। वो 4,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गई मेरे बिना किसी प्रयास के। मेरे फर्स्ट फ्लोर पर आंटी जी की लड़की मेरी हम उम्र थी, जो मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। वो भी मेरे बारे में सब जानती थी। उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली में कहीं ड्राइवर था। बस उसने मेरी उससे बात करवा दी और मेरा दिल्ली में रहने का बंदोबस्त हो गया। अब इंतज़ार था कल सुबह होने का। मैंने मम्मी को बोला मैं बुआ जी के यहाँ जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौट आऊँगा। बस फिर क्या था, मैं घर से निकला, लेकिन उस लड़की को अब जाने क्यों ये गलत लगने लगा। मेरे जाते ही उसने बड़े ही राजनैतिक तरीके से मेरी मम्मी को कुछ बोला जो वो कहाँ समझ सकती थी, और मैं राधा दीदी के स्कूल पहुँचा। पर ये क्या, वहाँ कोई नहीं था। आज तो संडे नहीं था, ना ही कोई त्यौहार था। फिर पता लगा आज कंडोलेंस हो गई। अब मैं क्या करता, बिन पैसों के कहाँ जाता। मुझे सच में बुआ के घर जाना पड़ा, लेकिन तब तक घर पर ना जाने क्या हुआ, कैसे मेरी योजनाओं की भनक उनके यकीन में बदल गई। और मुझे हाँ मेरे भैया जो ना जाने मुझसे कितना प्यार करते थे। मैं बस पर टंगा था, कितने गुस्से में आकर उन्होंने बस रुकवाई, बाइक मोड़ी, मुझे बिठाया और अपने दाएं हाथ से पीछे बैठे मुझे कई बार मारा, कहते साला घर छोड़कर जा रहा है। पर आज वो खुद घर छोड़कर चले गए। खैर, मुझे ये लग गया कि सबको पता चल गया, पर फिर भी मैं हंसता रहा और उन सब की बातें नकार दी, क्योंकि उस समय खुद को सुरक्षित रखना जरूरी था, क्योंकि घर पर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा पिटाई की संभावना थी। खैर छोड़ो, जैसे तैसे मैंने मामला निपटाया। अब दीदी भी उस मदद से डरने लगी थी। उनका डर सिर्फ मेरी चिंता के लिए ही था। फिर किसी दिन मौका पाकर मैंने पापा से कहा, वो खाना खा रहे थे, मैं बोला मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे कोई ना कोई कोर्स करवाएंगे ही, तो मुझे किसी ड्रामा इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा दो। कहना क्या था मेरा कि भूचाल आ गया। खाने की थाली यूं फेंकी कि बैठक से ले बरामदे आंगन तक सब्जी रोटियां बिखर गईं। वो घुंघरू की आवाज थाली के शोर में बदल गई। घर में अब सब जवान हो गए। टीवी की आवाज यूं सुनाई दी जैसे शमशान में कोई टीवी ले आया हो। मैं डर गया, और बहुत डर गया, और कई दिनों तक खामोश रहा। राधा दीदी को जब ये बात बताई तो इन्होंने तिरछी नजर कर मुस्कुराते हुए कहा कि एक दिन तुम अपने पिता को भूखा नहीं देख सकते, एक दिन घर का एक क्लेश नहीं देख सकते, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं चुप रहने लगा, लेकिन जैसे दिन गुजरते गए थम गया थाली का शोर, और मंच पर फिर वही घुंघरुओं का क्रंदन मुझे अब बुलाने लगा। होटल मैनेजमेंट में मेरा एडमिशन हो चुका था और मैं 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में फरीदाबाद के किसी होटल में था। मैंने देखा कि टिप के लिए किस तरह वेटर, बेल बॉय और मेरे ही वो दोस्त जो अब ट्रेनिंग पर हैं, एक दूसरे से आपाधापी करने लगे, नई नई तकनीक टिप मारने की निकलने लगी। मैं वहां पर ग्लास साफ करता, बर्तन धोता, कभी वेटर की भूमिका में, कभी हाउसकीपिंग बॉय बनकर मैंने सब किया। सारी करतूतें भी देखी और एक उच्च स्तरीय रहन सहन भी देखा। मुझे उस दौरान बड़ा कष्ट हुआ और मैं ऊबने लगा। फिर एक दिन मैंने छोड़ दिया। एक छोटा सा पत्र अपने दोस्तों को लिखकर मैं अपना बैग उठाकर वहां से भाग आया। मैं सोचने लगा बीए पूरे होते ही मैं बीएड करूंगा और टीचिंग की तैयारी करूंगा। और ये वो दिन थे कि मेरे मन में अब कोई अभिलाषा नहीं रही कि मुझे कुछ बनना है। मैं सब भूल गया, कुछ करना है मुझे। अब मुझे कुछ नहीं करना। उस लड़की से कही हुई बातें मुझे अब याद नहीं। मेरे कानों में ना ढोलक की थाप थी, ना मंच का अभिनय करते कलाकारों के चित्र थे, ना ही घुंघरुओं की धनक और ना ही कानों की पीड़ा देने वाले वो थाली का शोर, ना ही घुंघरुओं की छनक और ना ही कानों को पीड़ा देने वाला वो थाली का शोर।
मैं बहुत खुश था, जाने कितना हल्का हो गया था। घर में भी कोई नाराज नहीं हुआ कि मैं होटल का कोर्स छोड़कर आ गया। मैं एक तख्त पर लेटकर सोने लगा। जब मन में कोई विचार नहीं चलते, कोई चिंता नहीं होती और किसी के सामने जब कोई मंजिल नहीं होती, तो सच में मुझे पहली बार पता लगा वो कितना खुश होता है, कितना खुश नसीब होता है। ना जाने कब मेरी पलकें बंद हुई और मैं सो गया। आराम से घंटों की नींद लेने के बाद जब मैं उठा तो मैंने कितनी चिंताओं से घिरा था। मन विचलित था कि ऐसा सपने में मेरे क्या आया। कि जिसने मेरी सारी खुशियों को मुझसे ठग लिया हो। फिर क्या, मैं सोफे पर बैठ गया और बार बार उस सपने को मन में सोच रहा था। एक बहुत बड़ा मंच पर सामने सारी सीटें खाली और एक बहुत लंबा सा आदमी गोद में एक बच्चे को लाया, मंच के बीचों बीच आकर आगे की ओर बढ़ा, फिर कमर में बने खंजर से उस बच्चे को दो भागों में काटकर मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं उस मंच के नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसने कुछ कहा भी था, मुझे याद भी था, पर आज याद नहीं। लेकिन हाँ, मैं फिर से अपनी उसी मंजिल के लिए आतुर हो गया और फिर उसके लिए बिस्तर पर लेटकर सपने सजोने लगा। फिर वही कौतूहल और फिर वही आग मेरे मन में आ गई।